और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसे खाद्य पदार्थ या फूड हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते, और होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं होती हैं जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक सैनी, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा भोजन के बारे में, आखिर ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ, भोजन है, फ्रूट्स है, जिनसे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की एक कुदरती क्षमता होती है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस आदि जो भी रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं, तत्व होते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इस सिस्टम को हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम बैलेंस डाइट लें, पानी खूब पिए और डाइट हमारी बैलेंस हो, तो बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग होने के लिए। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फूड होते हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, विटामिन सी जो होता है सबसे बेस्ट होता है, विटामिन सी सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। दूसरा दोस्तों, कुछ फल होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें खट्टे फल, नींबू वगैरह, आंवला वगैरह आ जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलती है। और दोस्तों, साथ ही साथ जैसे कि अदरक का हम सुनते हैं, अदरक जो होती है इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। अदरक अदरक के साथ लहसुन खाना बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है। और दोस्तों, तुलसी जो होता है, आपके सभी के घरों में तुलसी होती है, तुलसी का काढ़ा या तुलसी की चाय पीने से जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बात करी फल के बारे में और तुलसी के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में सभी शरीर के जो तत्व होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले, सभी उसमें होते हैं। तो संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। पानी का पीना हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब मैं होम्योपैथी में दो दवाओं की बात करूँगा जिनसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गिलोय, सभी ने सुना होगा गिलोय। तो गिलोय जो होती है, ये होम्योपैथी में टीनो स्टोरा कार्डिफोलिया मदर टिंचर के नाम से गिलोय आता है, जिसमें मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ गिलोय के बारे में। आप बेल आइकॉन को दबाकर आप गिलोय के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी कि गिलोय जो होता है, इसका 10 बूंद प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम लेने से ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। गिलोय हमारी आयुर्वेद की बहुत जो पुरानी परंपरा है हमारे देश की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दवा होती है गिलोय। और दोस्तों, दूसरी दवा होती है इचिनेसिया। आप देख सकते हैं इचिनेसिया मदर टिंचर है, इचिनेसिया कार्डिफोलिया मदर टिंचर। इसका भी अगर आप 10 बूंद प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम लेंगे, तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है रोगों से लड़ने की क्षमता वो बढ़ेगी, इनहेंस होगी। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपका पेट सही रहे, गैस कब्ज इत्यादि ना हो, क्योंकि गैस कब्ज रहना भी हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं, उसको दबाते हैं। तो ये मैंने दो दवाएं आपको बताई हैं, इचिनेसिया और टीनोस्पोरा या गिलोय, जिसको हम जानते हैं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों को अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी मिले।